हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है नो फैब जर्नी के ऊपर। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया, बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया इंस्टा पे कि ध्रुव भाई आप कहाँ चले गए नो फैब जर्नी स्टार्ट करके। तो मेरे भाई, मैं कहीं चला नहीं गया था, बस तो तुम्हारा भाई बिजी हो गया था थोड़ा घर के कामों में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरे हो गए हैं 150 दिन, 150 डेज हो गए हैं नो फैब जर्नी को पूरा किए। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी फीलिंग शेयर करूँगा और बताऊँगा क्या क्या मेरे अंदर चेंजिंग थोड़ी थोड़ी जो भी आई, आप देख सकते हो, अभी थोड़ा देख सकते हो। तो मैं बताऊँगा कि आप मेरे अंदर क्या क्या चेंजिंग आई। तो पहला नंबर तो मैं आपको बता दूँ यार, चेहरा आपका इतना भयानक ग्लो करेगा, देख सकते हो ग्लो कर रहा है थोड़ा थोड़ा जो भी कर रहा है। तो चेहरा आपका ज़्यादा ग्लो करेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो भी सोचना है या जो भी करना है आप एकदम तुरंत कर लोगे। मतलब कुछ में ऐसा नहीं, बाधा नहीं आएगी, आपका माइंड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जो भी चाहते हो करना चाहते हो, अच्छा काम, गंदा नहीं, अच्छा काम करना चाहते हो तो वो आराम से हो जाएगा। और अगर आप जैसे होता है ना, एक्सरसाइज करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, पहले तो एक्सरसाइज करने की सोचते नहीं, जब सोचते हैं तो एक्सरसाइज होता नहीं है, और जब एक्सरसाइज होता नहीं है तो क्यों नहीं होता? जब आप चार दिवाली में बाथरूम में या यहाँ कहीं पकड़ के हिला रहे हो तो भाई कहाँ से एक्सरसाइज होगा? तो इसको बंद करोगे तब एक्सरसाइज होगा। भाई हंसी आ रही है बोलते हो, बट भाई ये सच है, हमारे कम से कम 100% में से 90% भाई लोग यही करते हैं, अपने हाथ से ही अपना काम कर लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं कि मतलब पुण्य कमा लिए ये। अरे मेरे भाई, बर्बाद करो अपने आप को एकदम। एक गांजा जो फूकता है ना, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, तुम्हारी जो गांजा फूकता है वो अंदर से खोखला हो रहा है, उससे बुरे तरीके से तुम खोखले हो रहे हो सिर्फ और सिर्फ हिला के। तो हिलाना बंद करो वरना बर्बाद हो जाओगे। आज तुम हिला रहे हो, वो तुमको हिलाना जब स्टार्ट करेगा तो तब बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई। तो तुम्हारा भाई यही बताना चाहेगा कि इससे दूर हो यार। पहले नंबर तो जिसके जितने जितने दिन हुए नो फैब जर्नी के, जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से जल्दी 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 कमेंट में बताओ, जल्दी जितना जल्दी हो सके कमेंट में बताओ कितने दिन हुए नो फैब जर्नी के। तो मैं देखूंगा, मैं कमेंट पढ़ता हूं और मैं देखूंगा किसके कितने दिन हुए। तो आपको करना क्या है, जैसे मेरे 150 दिन हुए हैं, 150 दिन आप देख सकते हो, बकैती इतनी अच्छी कर रहा हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बकैती मतलब कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, तो आप भी बोल सकते हो। और अट्रैक्शन, अब अट्रैक्शन पे बात करते हैं। अगर आप जैसे अभी रात दिन लगे हुए हो, हिला रहे हो, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, कहीं चार लड़कियाँ खड़ी हैं तो वहाँ जाके आप बकैती नहीं कर पाओगे, आप मुंडी नीचे करके निकल जाओगे बेशर्मों की तरीके। इस उसके पीछे कारण क्या है? आपका लो कॉन्फिडेंस। आप हिला हिला के इतना बर्बाद कर लियो अपने आप को कि आपका चेहरा एकदम झौंस गया है और आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं। और शरीर मेरे भाई, जब किसी चीज़ को अंदर से खोखला करोगे तो शरीर कहाँ से बनेगी? कितना भी खा लो, कितना भी अच्छा अच्छा पनीर ठूस लो, कुछ भी ठूस ले जाए, जहाँ से ठूस लो, मुँह से ठूसो जाए, जहाँ से ठूसो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप बाथरूम में वो कर रहे हो ना कांड भाई पकड़ के। तो ये सब करना बंद करो। तुम्हारा भाई इस क्यों वीडियो बना रहा है कि तुम लोग ये सब बंद करो और अच्छा हो जाओ यार, और अच्छे हो जाओ, बॉडी बनाओ। अगर आप ये सब कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा डंबल उठाओगे, आधा किलो का डंबल नहीं उठेगा, उठाओगे उठेगा ही नहीं। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि एक पौवा 100 ग्राम का अपना उसी में मस्त हो तुम उठा उठा के। तो मेरे भाई ये सब मत करो, ये सब छोड़ोगे तो एनर्जी आएगी बहुत अच्छी। जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करोगे तो तुम यार अच्छी शरीर बनेगी। अभी तो मैं फुल टी शर्ट पहनूँ तुम लोग को शरीर भी दिखाता, थोड़ी थाड़ी है तुम्हारे भाई की। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपको बता, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरे 150 दिन हुए हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट भी मिले हैं। आपकी हर एक लाइफ चेंजिंग हो जाएगी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। अभी जो ये सब फालतू की वीडियोस देखते हैं वो अगर किसी को देखते हैं तो अलग इमेजिनेशन उनकी चलने लगती है, उनकी दुनिया अलग हो जाती है, मियाँ खलीफा और सनी लियोन सब आने लगती हैं उनके माइंड में, तो उनकी अलग इमेजिनेशन चलने लगती है। तो आप जब इस पहले नंबर तो आप मैंने जो बोला मियाँ जी से दूर हो गए और सनी जी से दूर हो गए, इन सब से दूर हो गए और जॉनी सिंस भैया से दूर हो गए, तभी कुछ कर पाओगे लाइफ में, नहीं कर पाओगे। जो बात है सिंपल सी बात है, मैं इसमें क्यों शर्माऊँ यार, क्यों शर्माऊँ? जो बात है कौन नहीं करता, कौन बहुत सीधा, बहुत बोलते हैं कि बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पे आ गए, नकाब पहने हैं, चश्मा लगाए हैं, नकाब पहने, अबे नकाब क्यों पहने, भोसड़ी नकाब पहन के क्या करोगे? तुमको सिंपल सी बात जो बता रहे हो सब बताओ यार, इसमें शर्म क्या है? तुम अच्छी चीज़ बता रहे हो, लोगों को सही कर रहे हो, तो नकाब पहनने की ज़रूरत क्यों है मेरे भाई? जब तुमको खुद साले शर्म लग रही तो भोसड़ी तुम दूसरों को क्या बताओगे? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप नो फैब जर्नी स्टार्ट करो, तुम्हारा भाई है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत यार तुरंत इंस्टा पे मैसेज करो यार, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, मैं फॉलो करने को बोलता भी नहीं, फॉलो मत करो, तुम मैसेज करो, इंस्टा की लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, ठीक? और करो यार, जो भी दिक्कत होगी तुम्हारा भाई है, मैं सब बताऊँगा क्या दिक्कत आ रही है, मुझसे शेयर करना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप ये सब करो, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।